आपको हमेशा बताया कि प्लैनेट के बारे में, कौन सा प्लैनेट किससे ज्यादा उठा होगा, कौन किस सबसे ज्यादा उठा प्लैनेट कौन सा होगा? गुरु। जुपिटर गुरु, उसके बाद सन, उसके बाद सैटर्न, और उसके बाद मरकरी और वीनस। वीनस को उतना ही उठा होना चाहिए जितना गुरु उठा हुआ। तो ये आपको ना प्रैक्टिस से करोगे, जब आप प्रैक्टिस से करोगे, प्रैक्टिस करो, आपने किसी का हाथ देखा और आपने देखा यार इसका जुपिटर उठा हुआ है, फिर आप उसको बोलो आप अपनी कुंडली दिखाओ, आपने कुंडली देखी और उसमें देखा जुपिटर स्ट्रांग है और आपको यहाँ फील हुआ जुपिटर उठा हुआ है, फिर आगे क्या चाहिए आपको? आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आया, करेक्ट? ऐसे धीरे 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 सीख जी जाओगे सर, आप। अब आप सोचो कि मैं रात में आंख बंद करके सोऊं और सुबह उठूं मुझे सारा ज्ञान आ जाए, तो बजरंग बली की पूजा करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया के बस इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्योतिष आज तक कोई हुआ है तो बजरंग बली हुए हैं, ठीक है? और सही बात है। मैं उनको आदि ज्योतिष मानता हूँ, कि उनसे बड़ा ज्योतिष कोई नहीं था, वो सब जानते थे क्या होने वाला, उसके बाद भी उन्होंने लीला तो एक्चुअली बजरंग बली ने ही की है। उनको पता था कि मैं जिस पाले में खड़ा हो जाऊंगा वो पाला तो जीतना ही जीतना है, जिस पाले में खड़ा हो जाऊं वो पाला जितना, फिर भी उन्होंने पूरा स्वांग किया, सब किया। तो ज्योतिष आप सीख जाओगे, ऐसे चमत्कार से सीखना है तो जो बजरंग बली की पूजा करो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सन। जी सन सन पे वलय, सन पे वलय बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है? सन पे वलय बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सन के जितने भी कारक हैं, जितने भी सन के कारक हैं, वो सारे के कारक का नाश कर देता है वलय। तो अभी तक वलय हमने कहाँ पे अच्छा पढ़ा? सिर्फ जुपिटर पे वलय अच्छा होता है, बाकी कहीं पे भी अभी तक हमने जो पढ़ा, ना वो सैटर्न पे अच्छा होता है ना वो सन पे अच्छा होता है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को जैसे मैंने वो बताया था वैसे मैंने आप लोगों को जॉब का बताया, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ जॉब की लाइन कैसे देखेंगे। आपके पास बहुत लोग आएंगे, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि मेरी प्राइवेट नौकरी लगेगी, मैं नौकरी कैसी रहेगी? देखो ये बताना पामिस्ट्री में बहुत मुश्किल है कि आप नौकरी कौन सी करोगे, ये नहीं बताया जा सकता। हो सकता कोई चमत्कारिक देवता हो जो ये बता लें, अगर ऐसे कोई मिलेंगे तो मैं भी उनसे सीखूंगा जरूर, पर थोड़ा टफ लगता है, ठीक है? क्योंकि ये सन माउंट है, करेक्ट है? जी जी आप सर, मुझे ये बताओ सन सन एक्टिव कितनी एज से माना जाता है सन का एक्टिव होना? 22 वर्ष, ठीक है? हाँ या जी ना? सर, हाँ भाई, है ना? तो देखो जी सर, 20। ये जो लाइन होगी ऐसी, अगर आपको सन माउंट पे ऐसी दोष रहित लाइन दिखे, दोष रहित डिफेक्टलेस, बिल्कुल क्लियर, अगल बगल कोई बवंडर नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में जैसे इंफोसिस, टाटा, ठीक है, एप्पल, किसी बड़ी कंपनी में उसके जॉब हो सकती है। मोस्टली तो गवर्नमेंट जॉब ही होगी, मगर ये भी एक ऑप्शन बन सकता है, ठीक है? देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो गया, इसलिए मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया। अब आज का इंफोसिस वो इंफोसिस नहीं रहा जो आज से 15 साल पहले था, फिर भी मान सकते हैं कि भाई इंफोसिस, टाटा, क्योंकि ये एमएनसीज हैं, एक बड़ी एमएनसीज हैं, तो इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है? अगर दो लाइन है बिल्कुल डिफेक्टलेस है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, विदाउट एनी डिफेक्ट, तो फिर ऑलमोस्ट 100% उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? अब अगर उसकी लॉन्जिविटी 80 साल की है, ठीक है, और ये कैरियर लाइन, मान लीजिए कैरियर लाइन थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसकी कैसे निकालेंगे? हमें भी तो निकालना है ना उसकी जॉब कब से लगेगी। जब अगर कभी ये लाइन बिल्कुल हार्ट लाइन से स्टार्ट होगी, हार्ट लाइन से स्टार्ट होगी, तो हम बोलेंगे बहुत कम उम्र से नौकरी कर रहा है। मगर अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? हमने निकाला लॉन्जिविटी 80 साल की है, उसमें हमने 22 माइनस किया तो कितना आया, 68 58 साल आया, सिक्स 7 से डिवाइड
7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 हो गया, लगभग 8 भाग में आप इसको डिवाइड कर दीजिए और उस एज पे उस आदमी की जॉब लग जाएगी। जॉब का मतलब उस एज से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी तो जब आप, मैं सरकारी जॉब बोल रहा हूँ, तो सरकारी जॉब का मतलब या तो किसी बहुत बड़ी, बहुत स्टेबल, अच्छी कंपनी में, जिस या फिर सरकार में उसको नौकरी के चांसेस हैं, ठीक है। अगर सन माउंट पे ट्रायंगल का चिन्ह आता है, ट्रायंगल आता है, तो ये आदमी को पॉलिटिशियन बनाने का योग रखता है, और ऐसे लोगों को इंटरनेशनल रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड, इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल सकता है, पुरस्कार, पारितोषिक, इंटरनेशनल लेवल का भी मिल सकता है इनको, ठीक है। सैटर्न सन माउंट पे, जुपिटर सन माउंट पे ट्रायंगल इतना अच्छा साइन होता है, ठीक। ये सब ठीक पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर कभी सन माउंट पे आपको, ये हृदय रेखा है और ये सन माउंट है, और आपको ऐसे लाइन दिख गई ऐसे, तो आदमी आलसी होगा, ठीक। ठीक ये मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये हार्ट लाइन है, और ये सन माउंट पे एक ऐसी लाइन हो, और लाइफ लाइन और बुद्धि रेखा में गैप हो, ये गैप दिख रहा है, जी ये गैप सर हो, ये गैप हो, तो आदमी बहुत कम एज से अच्छी जॉब करेगा और अपने कैरियर में काफी प्रोग्रेस करेगा। और अगर कहीं कैरियर ये वाली लाइन ऐसे हो जाए, ठीक है, सो आदमी अगर एमटी भी ज्वाइन करेगा तो सीईओ तक पहुंचने के चांसेस हैं उसके, उसका भाग्य इतना अच्छा है, उसको खुद ही प्रमोशन मिलता रहेगा। मतलब वो मेहनत भी करेगा, उसका सन भी अच्छा है, वो मेहनत भी करेगा, इंटेलिजेंट भी होगा, मगर सारे इंटेलिजेंट लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता ना भाई। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मुझे हर साल प्रमोशन मिलता है, नहीं, कई बार साइकोफेंसी से भी प्रमोशन मिलता है, कई बार नहीं, बहुत बार चाटुकारिता से भी प्रमोशन मिलता है, और जिसका नहीं होता वो तो दूसरे को ही बोलता है साला चाटता था इसलिए इसको प्रमोशन मिल गया। जैसे भी मिलेगा उसको प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिलेगा और ग्रो भी जल्दी जल्दी वो करेगा, ठीक। ये ध्यान रखना है, जब इन दोनों लाइनों के बीच में गैप हो और यहाँ पे एक अच्छी लाइन हो, तो आदमी का कैरियर बहुत ही अच्छा होगा। अगर जी यह हार्ट लाइन है और ऐसा ऐसा दो पार्ट हो जाए, तो प्रोग्रेस एंड बेनिफिट इन जॉब, 3 हो जाए तो और भी अच्छा है, और 4 हो जाए तो खराब हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्या हो जाता है, कंटक का साइन हो जाता है, ठीक है। अगर सर, ये सन सनलाइन जो है वो हार्ट के पास से ही निकलना चाहिए। अगर वो नीचे तक हार्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया तो इसका नहीं मतलब होगा वो। आपने, इसका मतलब लेक्चर अटेंड नहीं, लेक्चर में बैठे होते थे मगर चाय का प्याला पीते थे और सुना नहीं मैंने क्या बोला जी था। ये आपका सैटर्न माउंट है, सन माउंट है, करेक्ट। ये है कैरियर और ये हो गया फेम, जैसे ही क्रॉस किया वो फेम में बदल गया, अच्छा, हाँ याद है, ठीक है। जी है। तो ऐसा नहीं है, कैरियर भी सर, रहेगा और कैरियर से फेम भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है। अगर ये ऐसी कोई क्रॉस लाइन आ जाए, मान लो आपने ये देखा एक ऐसी लाइन है और ऐसे कट कर दे, तो ये एज पे जॉब लॉस भी हो सकता है, बी अवेयर, उसको आपको थोड़ा उसको अलर्ट करना है कि भाई आपके जॉब लॉस का चांसेस है। जॉब बदलने का नहीं बोल रहा हूं मैं, जॉब जाने का योग भी हो सकता है, ये जाने का भी योग हो सकता है, ठीक है। ठीक और ऐसे की जगह, सर, ऐसे ऐसे कटने की जगह सिर्फ एक ऐसे ही रहे, तो समझ लो वो जो भी कर रहा होगा उसका यश में उसको तकलीफ रहेगी, उसको नेम में तकलीफ रहेगी, बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस में तकलीफ रहेगी, जॉब कर भी रहा होगा तो जॉब में तकलीफ होगी। और ऐसी लाइन का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी 10 लाख 5 लाख महीने की सैलरी वाला ही रहेगा भाई, ऐसी लाइन का मतलब अगर वो ऑटो वाले के यहाँ पैदा हुआ है, तो हो सकता है दो, किसी उसके पास दो ऑटो, एक ऑटो से उसने दो ऑटो कर लिया और 2 से 4 कर ले, ठीक है। पर कोई करोड़पति के यहाँ पैदा होगा तो ऑटो नहीं चलाएगा ना, फिर वो एक कंपनी से दो कंपनी, दो कंपनी से 4 कंपनी डाल सकता, हो सकता है अपनी कंपनी खोल के उसमें सीईओ बन जाए। सीईओ बनने का सबसे आसान तरीका क्या है, अपनी कंपनी खोलो और अपने आप को सीईओ बता दो, अपने कार्ड छपा लो। अगर किसी का ड्रीम हो सीईओ बनने का, डायरेक्टर बनने का, तो अपनी कंपनी खोलो और उसमें चाहे जो बन जाओ, ठीक है। अगर किसी के सन माउंट पे ऐसी लाइन दिखे,
तो वो प्रोग्रेस है, और ये ऐसे दिखे तो डी ग्रोथ है, और देखने का नजरिया नहीं है, मैंने फोटो बनाई है। देखने का नजरिया मतलब ना, आप फोटो देखो, ठीक है, फोटो देखोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी के सन माउंट पे क्रॉस या स्टार का साइन आ जाए, ऐसा आदमी म्यूजिशियन हो सकता है, हाई पोस्ट पर जा सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकता है, प्राइडफुल हो सकता है, हेल्थ और वेल्थ में, जीवन के आखिरी क्षेत्र में, ये देखो जो मैंने आपको बताया, ये सब शास्त्र बोलते हैं, ठीक है, ये सब शास्त्र बोलता है। शास्त्र बोलता है कि वो म्यूजिशियन भी हो सकता है, हाई पोस्ट पे हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, प्राइडफुल हो सकता है, जीवन के आखिरी एज पे हेल्थ और वेल्थ देखेगा। मुझसे पूछोगे तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलने वाला हूँ, ये आदमी फेम के लिए तरस जाएगा, फेम के लिए तरस जाएगा, जीवन में उसको फेम की चाह ज्यादा होगी, मगर वो फेम के लिए तरस जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, सब होगा, सब कुछ होगा, मगर उस आदमी को फेम कभी नहीं मिलेगा। वो चाहेगा मुझे चार लोग सर सर कह के बोले, सर उसको कोई नहीं बोलेगा। वो कोई काम शुरू करेगा, बदनामी बेचारे की पहले हो जाएगी, पहले ही लोग बदनामी आ रहे, ये तो बेकार आदमी है, भले वो कितना इंटेलिजेंट हो, वो अपने आप को कभी अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। बाकी आप पढ़ लो, अगर इसमें कुछ टैली होता है तो आप भी मुझे बताना, ठीक है। ये साइन का यही एक निगेटिव पॉइंट है इसमें। अगर स्क्वायर का साइन आता है तो स्क्वायर का साइन जीवन में सन पे जितनी भी समस्या थी, सारी की सारी समस्या को खत्म कर देता है, कुछ भी चैलेंज रहेगा तो खत्म कर देगा। अगर यव का चिन्ह आता है तो आदमी लेजी हो जाएगा, उसको हार्ट डिसीज हो सकता है, आंख की भी प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में दर्द हो सकता है, हड्डियों की समस्या हो सकती है, स्किन का रोग हो सकता है, वेन प्रॉब्लम हो सकती है, यव का साइन इतना खराब होता है। अगर सन पे सन का साइन आ जाए, आ सकता है ना, तो एजुकेशन में अच्छा होगा, जी आंख की प्रॉब्लम, सन का साइन मैंने बताया, जब भी होगा आंख से रिलेटेड बीमारी आ सकती है, ठीक है। और अगर सन पे मून का साइन आ जाए तो आदमी इमेजिनरी होगा, पोएट होगा, और हवा में पुल बनाएगा, डेली ख्वाबी पुलाव बनाएगा कि कल तो मैं, क्या नाम है, कल तो मैं ये कर दूंगा, कल मैं 4 बजे उठ के दौड़ने जाऊंगा, और 20 साल से वो सोच रहा होगा, उठ नहीं पाएगा बेचारा। हम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल है, ऐसा मत बोल देना सर मैं भी 20 साल से सोच रहा हूँ। अरे मैं खुद ही 25-30 साल से सोच रहा हूँ कि सुबह उठ के दौड़, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाऊं, आज तक 30 साल हो गए, वो दिन ही नहीं आया। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब बताया, कुछ पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। देखो जो इसमें नहीं है, आई डोंट थिंक इसमें है, नहीं है तो मैं और ऐड एक आध पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी और बना रहे। ये जो एरिया है, ये हमारा सन माउंट है, करेक्ट, ये हमारा सन माउंट है। हाँ जी सर, मेरे अपने रिसर्च में मैंने ऐसा पाया है कि अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आदमी की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, ये मेरा रिसर्च है। देखो मैं भी तो शास्त्र का विद्यार्थी ही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जी शास्त्र सीख लिया मैंने तो अब मैं बिल्कुल, मैं हनुमान जी बजरंगबली की तरह ज्योतिषवान हो गया हूँ, नहीं, मैं तो शास्त्र सीख रहा हूँ, तो मेरा अपना रिसर्च है। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो मैंने आपको बोला कि वो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है, करेक्ट, मैंने बोला ना गवर्नमेंट जॉब होगी, भले ही इस दोनों क्लियर होनी चाहिए। अगर डिफेक्ट भी है, सपोज कोई डिफेक्ट भी है, जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर मैं डिफेक्ट बताऊं कि इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है, ये एक लाइन है और ओरिएंटल लाइन ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, ऐसी हो जाए, ठीक है, तो भी आप समझ लीजिए कि एक से ज्यादा तरीके से पैसा कमा रहा है, कमाने का योग है, एक से ज्यादा तरीके से व्यक्ति में पैसा कमाने का योग है, ठीक। ठीक। सन से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि सन माउंट पे ये, अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, प्लीज आस्क, प्लीज पूछना। सन पे फिश का साइन बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, सन पे फिश का साइन अगर ऊपर की तरफ मुंह होता है तो 45 साल के बाद, और अगर नीचे की तरफ मुंह किया हुआ हो तो बचपन से, 45 साल के बाद इस व्यक्ति को फेम मिलेगा, फेम आना शुरू होगा,
फेम का लेवल क्या होगा वो डिपेंड करता है बाकी हाथ के कॉम्बिनेशन पे। ऐसा नहीं किसी पे फिस का साइन आ गया तो कल से बोलो अरे वो तो मैंने रैंकिंग कराई मैं इंटरनेशनल पे नंबर वन आ गया। नहीं, फेम का मतलब होता है आपको आपकी सोसाइटी में 10 लोग जानने लगे। आप आज बैठ के सोचो मैं कितने लोगों को जानता हूँ, तो मैक्सिमम से 100 लोग से ज्यादा नहीं जानते होगे आप, या 100-150 लोगों को जानते होगे अपने कलीग और खानदान में मिला लो, ठीक है। मगर जिसके पास फेम आ जाएगा उसको हो सकता है उसको 50,000 लोग जानने लगे, ठीक है। मगर कुछ लोग आप ऐसे भी जी लोग होंगे जिनको जिसको 5 करोड़ लोग जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको क्या नाम है 500 करोड़ 5 बिलियन लोग जानते होंगे। तो फेम का लेवल अलग अलग होता है, मगर ऐसा साइन जो होगा वो व्यक्ति को फेम देगा ही देगा, ओके। तो सन ऐसे पे जो मैंने बोला। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ जी, डिजिटली जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उनके हाथ में हो सकता क्या है? उनका तो बहुत फेम बड़ा नेटवर्क होता है जी। उनका तो बेचारों का तो क्या नाम है, किसी को बोलने जाते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने आया तो लोग पहले दरवाजा बंद कर देते। तो वो फेम होता है, आपको अगर लगता है फेम है तो फेम है। अब आप ये जो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग वाले मोटिवेशनल स्पीकर भी बने हुए हैं ना, वो सिर्फ धंधा कर रहे बेचने जी का, सर सिर्फ वो बेचने का धंधा कर रहे हैं। जी उनको आपसे बिचवाना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशनल स्पीकर बनाएंगे। उनको बिकवाना है तो आपको बताएंगे कैसे। मोटिवेशन क्या है यार, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपको देखना तो आप बजरंगवली को देखो, कहूं रिचुपति का हनुमाना का सोच रहे बलवाना, वो है ना मोटिवेशन। एक्चुअली मोटिवेशन हुआ है जब जामुन जी ने बजरंगबली को बोला, तो ये क्या मोटिवेशन है कि आपने 4 स्टोरी सुना दी वो मोटिवेशन है? तो आई डोंट थिंक कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले फेमस होते हैं, आई डोंट थिंक, ठीक है।